फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया हो गए और अच्छे हो गए। आज का दिन आपका शुभ रहे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूँगी। कहना ये चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। डेली रूटीन में मैं वो कैसे करती हूँ, मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे फेस पे वैसे पहले का मतलब कल मैंने मेकअप किया था थोड़ा बहुत, जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ वो है अभी फेस पे। तो मुझे फेस वॉश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से जो है मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो जब तक के लिए आपको वेट करना होगा। तो मैं आती हूँ जस्ट 5 मिनट्स में फेस वॉश करके, देन मैं आपको बताती हूँ कि मेरा डेली रूटीन का मेरा कैसा होता है। सो ही गाइस, मैंने फेस वॉश कर लिया है और मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, ठीक है? तो चलिए हम अपना मेकओवर करते हैं, सिंपल रूटीन मेकअप करेंगे, ठीक है? तो जो जो चीज़ें हैं मेरे पास मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं पैक करके आपको दिखा दे रही हूँ मेरे पास क्या क्या है मेकअप करने के लिए। और मैं सिंपल मेकअप करती हूँ, बिल्कुल डेली रूटीन जैसे होता है ना, सिंपल बिल्कुल, बस फेस को फ्रेश रखने के लिए करते हैं। तो मैं उस टाइप का ही करती हूँ, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हे गाइस, ये रहे मेरे मेकअप के टूल्स जिसे कहते हैं। ये फाउंडेशनर है बट मैं इसे यूज़ नहीं करती ज़्यादा, और मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये है मैट लिप केयर, तो ये मैट लिपस्टिक है और ये भी मैट का है। और ये है आईलाइनर जो कि मैं यूज़ करती हूँ, काजल मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है? और ये रहा मेरा आईब्रो शेड जिसे मैं यूज़ करती हूँ, ये ब्राउन शेड है। तो चलिए हम मेकअप अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इतनी सी चीज़ों से आप कैसे अपना डेली रूटीन मेकअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन का आपको कैसे यूज़ करना है मैं वो बता देती हूँ। अगर आपके पास कोई भी रेड या पिंक, आपके पास कोई भी मैट लिपस्टिक हो तो उसको आपको लेना है और आपको अपने पूरे फेस पे इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है? देखिए इस तरह से आपको पूरे फेस पे जो है यूज़ करना है। मैंने आई शेड नहीं ज़्यादा हटाया है, कम कम मतलब कि जो फेस वॉश किया तो मैंने उसे रहने दिया, ठीक है? उसके बाद से आपको करना ये है कि आपको फाउंडेशन लेना है और थोड़ा थोड़ा अपने चेहरे पे सब जगह पे लगा लेना है, जहाँ जहाँ पे आपने रेड रेड लगा रखा है। बहुत ही इजी तरीके से बता रही है जो कि आपको समझने में और करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद से आपको करना ये है कि आप कंसीलर भी साथ में ही लगा लो। उससे ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से जल्दी आपका जो है मेकअप हो जाएगा, ठीक है? तो आप कंसीलर भी साथ में यूज़ कर लो। तो इस तरह से सब जगह पे जो है कंसीलर भी साथ में लगा लीजिए। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए इसको अच्छी तरह से इस तरह से ऐसे करना है ताकि मिक्स हो जाए। ये देखिए,
तो ये आपको बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा होगा। तो आपको मेरा फेस थोड़ा सा ग्लोइंग दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम जो यूज़ करने वाले हैं, हमारा जो थर्ड चीज़ है, सॉरी फोर्थ चीज़ है, हम आईब्रो शेड यूज़ करेंगे। हालांकि मेरी आईब्रो शेड मतलब कि जो है पहले से ही, पर फिर भी मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से अप्लाई करना। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मेरी आईब्रो शेड भी लग चुकी है, और मैंने कम यूज़ किया है क्योंकि पहले से ही थी मेरी आईब्रो शेड लगी हुई, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम यूज़ किया है। उसके बाद हम जो लगाने वाले हैं वो आईलाइनर है, लेकिन अगर आपको लगाना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो चलिए हम आईलाइनर लगाते हैं, और आप कैसे लगा सकते हो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो हमने आईलाइनर लिया और हम ऐसे तो हे फ्रेंड्स मेरा आईलाइनर भी लग चुका है, ये देखिए। हम अपने लिप्स पे मैट लिपस्टिक या जो भी आपको पसंद है, लिप केयर, बेबी लिप केयर, जो भी आपको अप्लाई करना हो, ये मेरे पास बेबी लिप केयर है। अगर मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा। देखिए, और अगर मैं इसे अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं कुछ और अप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो हम इसको रिमूव करते हैं और हम इस पे मैट लिपस्टिक ट्राई करते हैं। तो हमारे पास है पिंक शेड मैट लिपस्टिक, हम इसे ट्राई करेंगे। उसके बाद हमने मिक्स किया अपने मैट लिपस्टिक को, तो देख सकते हैं कैसा लुक दिख रहा है लिप्स का। उसके बाद हम अपने हेयर जो है उसको भी सही करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ कैसा है देखने में लुक, आपको पता चलेगा। तो जस्ट 5 मिनट्स वेट। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये मेरा डेली रूटीन मेकअप है, और आपको ये मेरा मेकअप, डेली मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो मेरा मेकअप वीडियो, जो कि मैं डेली में यूज़ करती हूँ और सिंपल तरीके से, बिल्कुल ज़्यादा कुछ मेकअप और ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।